बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ सैयद राशिद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं राशिद सैयद। नाज़रीन, 2022 इख्तिताम को पहुँचा और 2023 महज 3-4 दिन के बाद शुरू हो जाएगा। यूट्यूब ने अपनी पॉलिसियों में खासी हद तक तब्दीलियाँ कर दी हैं। टिकटॉक, फेसबुक रील के बाद अब यूट्यूब पे जो है वो यूट्यूब शॉर्ट्स को जो है ना वो मोनिटाइज करने जा रहा है और अभी यूट्यूब वीडियो जो है वो 2023 से ज़्यादा वायरल होंगी। अभी भी आप देख सकते हैं कि लॉन्ग वीडियो की नस्बत जो शॉर्ट्स वीडियो हैं वो ज़्यादा वायरल होती हैं, उन पर ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। नाज़रीन, यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए 1000 सब्सक्राइबर और इसमें वाइट टर्म नहीं चाहिए बल्कि इसमें 30 मिलियन जो है वो 3 माह के अंदर आपको चाहिए होंगे, उसके बाद आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूट्यूब शॉर्ट्स का जो सही तरीका है वो कैसे अपलोड किया जाए। सबसे पहले ये आपसे गुजारिश करूँगा कि यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए बिल्कुल नया चैनल क्रिएट कर लें। मैंने भी एक नया चैनल क्रिएट किया है, इस पर हम यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम के हवाले से सीखने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले गुजारिश आपसे यही है कि अगर आप सही काम करना चाहते हैं तो यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए एक न्यू जीमेल क्रिएट करें और उस पर फिर अपना एक यूट्यूब शॉर्ट्स चैनल क्रिएट करें। उसके लिए अलग से वीडियो भी मैं बना लूँगा। वैसे भी यूट्यूब पर बेशुमार आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ ये सीखने की कोशिश करेंगे कि यूट्यूब शॉर्ट्स को सही जो है वो कैसे अपलोड किया जाए। उसके अलावा यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए कौन से जो टॉप कंटेंट हैं, टॉप आइडियाज़ हैं जो कि वायरल होने के जिनके ज़्यादा चांसेस हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि यूट्यूब शॉर्ट्स कैसे अपलोड किए जाए। मैं आ चुका हूँ मोबाइल स्क्रीन पर, आइए देखते हैं कि कैसे यूट्यूब शॉर्ट्स को क्रिएट किया जाए। अपने यूट्यूब चैनल को ओपन कर लीजिए और यहाँ पर क्लिक कीजिए। यूर चैनल पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक डायरेक्टली शॉर्ट्स का बटन है और एक ये प्लस का बटन, इस पर आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन सामने आ जाएंगे। क्रिएट अ शॉर्ट, इस पर आप कभी भी आप शॉर्ट्स वीडियो क्रिएट करने की कोशिश ना करें बल्कि जो सही मेथड है अपलोड अ वीडियो, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वीडियो का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप, मैं कोई एक वीडियो अपलोड कर देता हूँ, मसलन मैं आपको समझाने की खातिर ये एक वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये लॉन्ग है और इसको अगर आप शॉर्ट्स में कन्वर्ट करना चाहें तो ये एडिट इनटू आ शॉर्ट, इस तरह आप ये शॉर्ट्स में इसको क्रिएट कर सकते हैं। ये ग्रेवयार्ड है, इसकी वीडियो हमने अपलोड करनी है। वीडियो की जो शॉर्ट्स वीडियो है उसकी लेंथ आप कोशिश करें कि कम से कम हो 18 से 20 सेकेंड, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 20 सेकंड की वीडियो हमारी है, अब इसको हम नेक्स्ट पे प्रेस करेंगे तो ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। अब वेट कर लेते हैं अपलोड होने का। लो जी, ये अपलोड हो गई। अब हमने क्या करना आगे, इस पे हमने अच्छा सा कोई एक टाइटल लिख लेना है। टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ग्रेवयार्ड ये आप लिख लें और इसके यहाँ पर आपको डिफरेंट स्टाइल आपको मिल जाएंगे तो मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये नेक्स्ट पे क्लिक, इस पर आप म्यूज़िक पे शामिल कर सकते हैं। साउंड पे क्लिक करेंगे तो अपनी चॉइस का म्यूज़िक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये ग्रेवयार्ड है तो इसके रिलेटेड आप कोई म्यूज़िक सेट कर लें, जैसे ये मैं कोशिश करता हूँ कि ये मिल जाए। दुनिया के मुसाफिर, दुनिया के मुसाफिर, ये बड़ी मशहूर
हमद है, इसको हम जो है ना सर्च करते हैं और इसको जुनेद जमशेद की साउंड में इसको हम कर लेते हैं सेलेक्ट। अब हमने नेक्स्ट पे प्रेस करना है। नेक्स्ट पर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने एक मेन्यू बार ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने किसी किस्म की कोई चीज़ टाइप नहीं करनी, वीडियो को अनलिस्टेड रखना है और अपलोड और शार्ट पर क्लिक करेंगे तो ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आपका नेटवर्क अच्छा होगा तो जल्दी अपलोड होगी। अब ये वीडियो हमारी अपलोड होना स्टार्ट हो गई है। अभी हमने क्या करना है कि अब हम जाएंगे वॉइस स्टूडियो एप्लीकेशन ओपन करेंगे और वहाँ पर जाकर सेटिंग करेंगे। वाइट स्टूडियो हमने ओपन की और इसमें आप देखेंगे जब वीडियो मुकम्मल अपलोड हो जाएगी तो फिर वहां पर जाके हम इसकी टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखेंगे। ये हम आगे अपने वाइट स्टूडियो में, यहां पर ये हमारी वीडियो है, इस पर हमने जाके टाइटल लिखना है। शॉर्ट टाइटल लिखना है, सिर्फ एक लफ्ज़ हो, ग्रेवयार्ड। यहाँ पर आप नेक्स्ट शॉर्ट्स लिखेंगे, फिर हैशटैग लगा के वाइट शॉर्ट्स लिखेंगे या यूट्यूब शॉर्ट, फिर एक हैशटैग आपने टाइटल के रिलेटेड लिखना है, जैसे ये ग्रेवयार्ड है। अब एड डिस्क्रिप्शन में आपने लिखना है, फिर हैशटैग लगा के वाइट शॉर्ट्स, खाली शॉर्ट्स और फिर साथ ये टाइटल डिस्क्रिप्शन में भी हम ग्रेवयार्ड लिख देते हैं, इससे आपकी वीडियो सर्च होने में आसानी होगी। ये हमने लिख लिया। अब हम इसको आप प्लेलिस्ट में भी कर सकते हैं, प्लेलिस्ट क्रिएट करके। अब हमने इसको क्या करना है कि अब जाके हमने इसको सेव कर लेना है। अब हमारी जो ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, अभी ये देखें आप कंप्लीट हो गई है, तो इसमें आप इसको अनलिस्टेड पब्लिक कर देंगे, ये पब्लिक हो गई। ये सबसे बेहतरीन मेथड है। सबसे पहले वीडियो अपलोड करें, फिर वाइट स्टूडियो पर जाके इसकी एक खूबसूरत सा इसका टाइटल, साथ में शॉर्ट्स, वाइट शॉर्ट या यूट्यूब शॉर्ट्स और एक हैशटैग आपने उसके टाइटल के रिलेटेड लगाना है। सुबह के टाइम, दिन के टाइम और शाम के टाइम, 6 से 7 बजे के टाइम, ये 3 टाइम है। इन टाइम्स पे आप वीडियो को अपलोड करें। इसमें कॉपीराइट क्लेम आ गया है, हमारे पास फ्री म्यूज़िक नहीं है, आप यहाँ से फ्री म्यूज़िक सर्च करके साथ दिखा सकते हैं। इसके अलावा आप वीडियो एडिटर में जाकर भी इसकी एडिट करके अच्छी तरह से अपलोड करें, इंशाल्लाह आपकी वीडियो जल्द वायरल होगी और जब वीडियोज़ आपकी वायरल हो जाएंगी तो फिर आपके सब्सक्राइबर ऑटोमेटिकली गेन होंगे। नेक्स्ट वीडियो तक अपने मेज़बान सैयद राशिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।